सोचिए क्या होगा यदि आपको सजा के तौर पर एक ऐसे कमरे में जाना पड़े जहाँ ना कोई रंग हो, ना कोई आवाज हो, ना किसी भारी व्यक्ति से संपर्क। वाजिब सी बात है कि आपका दिमागी संतुलन हिल जाएगा। व्हाइट टॉर्चर तकनीक भी इसी प्रकार है। सफेद यातना, जिसे अक्सर व्हाइट रूम टॉर्चर कहा जाता है, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक यातना तकनीक है, जिसका उद्देश्य है किसी भी कैदी को दुनिया से, रंगों से, स्वाद से और बाहरी संपर्क से वंचित कर दिया जाए। इसके तहत एक कैदी को एक सेल में रखा जाता है जो उन्हें सभी इंद्रियों और पहचान से वंचित करता है। यह विशेष रूप से ईरान में प्रयोग किया जाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, आयरलैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों में इसके उपयोग के परिणाम भी है। नेत्रहीन कैदी सभी रंगों से वंचित है। उनकी कोशिका पूरी तरह से सफेद है। दीवारें, फर्श और छत, साथ ही उनके कपड़े और भोजन, नियॉन ट्यूब्स को ऑक्यूपेंट के ऊपर स्थित किया जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें छाया नहीं होती है। और तो और, यह कमरे पूर्ण रूप से सफेद होने के साथ साथ ही ध्वनि रहित भी होते हैं। यहाँ पर आवाज करना बिल्कुल मना होता है। यहाँ तक कि एक गार्ड भी गद्देदार जूते पहनता है ताकि कोई आवाज ना आए। इससे कैदी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। खाने में कैदी को सफेद भोजन खिलाया जाता है, उदाहरण के लिए सफेद चावल, ताकि उन्हें स्वाद का पता न चले। जासूसों को अक्सर महीनों या वर्षों तक एक ऐसे व्हाइट टॉर्चर रूम में रखा जाता है। ऐसा मानना जाता है कि सालों तक बिना भारी आवाज के संपर्क में सफेद रंग के कमरे, जासूसों को अक्सर महीनों या वर्षों तक ऐसे व्हाइट रूम में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सालों तक बिना भारी लोगों के संपर्क के सफेद रंग के कमरे में सफेद चीजों के साथ रहने से, सफेद खाना खाने से उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है तथा उनका दिमागी संतुलन हिल जाता है और वे अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। ईरान में राजनीतिक बंदियों का प्रचलन है। अधिकांश राजनीतिक कैदी जो इस प्रकार की यातना का अनुभव करते हैं, वे पत्रकार हैं जिन्हें एवियन जेल में रखा जाता है। 2004 में कई महीनों तक ईरान कैदी अमीर फकरवार को यातनाएं दी गई। उनके पास अभी भी सफेद कमरे में अपने समय की कुछ खतरनाक यादें अभी है। I had a lot of sign from the jails. Experience a lot of sign from tortures. हादी गम्मी के अनुसार एविन में ऐसी यातनाएं आवश्यक रूप से ईरानी सरकार द्वारा सीधे अधिकृत नहीं है। इसमें लंबे समय तक एकांत कारावास शामिल हो सकता है। नींद से वंचित करने के लिए निरंतर रोशनी का उपयोग अक्सर जेल अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर हिरासत केंद्रों में होता है, जिसमें एविन जेल की धारा 199 में शामिल है। ईरान ने कई बार व्हाइट टॉर्चर तकनीक का उपयोग अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए किया है, जिसे हमेशा वह नकारता आया है। खास तौर पर मीडिया कर्मियों को ऐसी सजा दी जाती है ताकि वह सब कुछ भूल जाए और उनका दिमागी संतुलन हिल जाए। जहां खाने की प्लेट से लेकर बाथरूम तक सफेद होता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। व्हाइट रूम टॉर्चर तकनीक बेहद प्रभावी है, जिस कारण इसका उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।